गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के वीडियो में हम .NET और जावा के बीच में कंपैरिजन और .NET फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो हमने .NET का बेसिक्स देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। तो .NET और जावा में क्या अंतर है? तो .NET और जावा दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं, जिनको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है आज के टाइम पर। दोनों ही लैंग्वेज है वो मल्टी टीयर्ड आर्किटेक्चर है और फॉलो करती है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को। अब इसमें जो वर्ड है मल्टी टीयर्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? मल्टी टीयर्ड का मतलब होता है इसमें लेयर्स होगी। मल्टी टीयर्ड का मतलब लेयर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस तरह का कुछ आर्किटेक्चर होगा, यहाँ से इनपुट दिया और यहाँ आउटपुट निकल गया। इसमें अंदर लेयर्स बनी हुई है, मल्टी टीयर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो मल्टी टीयर्ड बोल दो या मल्टी लेयर बोल सकते हैं हम इसको। तो दोनों ही जो टेक्नोलॉजी है, जावा और .NET, वो मल्टी टीयर्ड आर्किटेक्चर और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। वर्चुअल मशीन मॉडल इज अडेप्टेड इन बोथ द प्लेटफॉर्म्स। जो वर्चुअल मशीन मॉडल है वो अडेप्ट किया गया है दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। जैसे जावा में मैंने बताया था जावा वर्चुअल मशीन JVM होता है, वैसे ही वर्चुअल मशीन .NET फ्रेमवर्क के अंदर भी होता है। तो ये दोनों के अंदर ही वर्चुअल मशीन का जो मॉडल है वो दोनों में अडेप्ट किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलरिटीज हो गई, दोनों ही मल्टी टीयर्ड है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है और दोनों में ही वर्चुअल मशीन मॉडल है उसको अडेप्ट किया गया है। द इंटरमीडिएट कोड कॉल्ड बाइट कोड आर इन जावा बट MSIL कोड्स आर .NET, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट कोड बनता है उसको जावा में हमने बाइट कोड नाम दिया था। जावा में बाइट कोड और .NET के अंदर इसको बोलते हैं MSIL, ठीक है। MSIL है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। तो ये अलग अलग तरह के नाम दे दिए लेकिन दोनों में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। तो अगेन ये भी क्या हो गया, सिमिलरिटी है, ठीक है। हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर का मतलब दोनों चीज़ें आती है, सिमिलरिटीज़ क्या है और डिफरेंस क्या है। तो अभी तक तीनों जो चीज़ पढ़ी है हमने वो तीनों इसमें सिमिलरिटीज है। बोथ आर कंपाइलिंग द सोर्स कोड बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ दैट, ठीक है। ये भी सिमिलरिटी हो गई कि दोनों क्या करती है, कंपाइल करती है किसको, सोर्स कोड को, एग्जीक्यूशन से पहले। ऐसे नहीं कि सीधा एग्जीक्यूट कर दिया। हमने पढ़ा ना मल्टी टीयर्ड आर्किटेक्चर है, मल्टी लेयर है, तो लेयर्स में काम होगा। तो कंपाइल करेगी दोनों ही लैंग्वेज सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले। बट MSIL इज डिजाइंड फॉर JIT कंपाइलेशन बट जावा सपोर्ट्स बोथ द JIT कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। यहाँ पर एक डिफरेंस आया है कि जो MSIL है .NET फ्रेमवर्क के अंदर वो डिज़ाइन किया जाता है सिर्फ JIT कंपाइलेशन के लिए, ठीक है। ये जो वर्ड्स आ रहे हैं नए नए वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो आप फेमिलियर हो जाओगे इनसे। तो MSIL है वो JIT कंपाइलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं पर जावा क्या करता है, JIT को भी सपोर्ट करता है और इंटरप्रिटेशन को भी सपोर्ट करता है। तो ये एक एडवांटेज हो गया जावा का, इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई कि ये इंटरप्रिटेशन को भी सपोर्ट करता है, जबकि .NET है वो सिर्फ JIT कंपाइलेशन को ही सपोर्ट करता है। बोथ द .NET एंड जावा आर प्रोवाइडेड विद द क्लास लाइब्रेरीज टू इनहेंस द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो अगेन ये भी सिमिलरिटी हो गई कि .NET और जावा दोनों के अंदर ही क्या है, क्लास लाइब्रेरीज है परफॉर्मेंस को
इन्हेंस करने के लिए दोनों में ही क्लास लाइब्रेरीज होती है। दी डॉट नेट नेम स्पेसेज रिजेंबल्स दी पैकेज ऑफ जावा। जावा के अंदर हमने क्लासेज का पैकेज बनाया था, एक बंडल बनता है जिसमें खूब सारी क्लासेज होती है, उसको हमने क्या बोलता है पैकेज, जो हम रियल लाइफ में भी बोलते हैं। एक पैकेज क्या होता है, एक बंडल होता है जिसमें खूब सारी चीज़ें होती हैं। तो पैकेज को यहाँ डॉट नेट में क्या बोलते हैं, नेम स्पेसेज। ठीक है, तो अगर नेम स्पेसेज कहीं आपके पढ़ने में आए तो नेम स्पेसेज भी सेम वही होता है पैकेज ऑफ क्लासेज, इसमें कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ADO डॉट नेट इज यूज फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी इन डॉट नेट प्लेटफॉर्म। और दूसरी तरफ देखें तो जावा प्लेटफॉर्म के अंदर JDBC है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म है वो ADO डॉट नेट यूज करता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि डॉट नेट प्लेटफॉर्म है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी लिए क्या यूज करता है, ADO डॉट नेट। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है ADO डॉट नेट, वो जावा है वो यूज करता है JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ASP.NET इज फॉर डेवलपिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस एंड JDBC इज फॉर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस इन जावा। ठीक है, तो डॉट नेट के अंदर वेब डेवलपमेंट, अगर आपको डॉट नेट में वेब डेवलपमेंट करना है तो आप क्या काम में लोगे, ASP.NET। और अगर आपको जावा में वेब डेवलपमेंट करना है तो क्या करोगे, JDBC जावा टू एंटरप्राइज एडिशन। ठीक है, तो दोनों में वेबसाइट बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं ASP.NET के अंदर, इसमें .NET फ्रेमवर्क में ASP.NET और जावा में JDBC। JVM इज डिजाइन फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बट CLR इज फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया। तो जावा वर्चुअल मशीन है वो डिजाइन की जाती है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए, इसलिए जावा को हम क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लैंग्वेज तो हम सिर्फ जावा ही काम में लेंगे, ऐसे नहीं कि C++ कोई दूसरी काम में ले ली, लैंग्वेज तो जावा ही काम में आएगी लेकिन प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग पर वो चल सकती है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग हो सकता है और हार्डवेयर का आर्किटेक्चर है वो भी अलग हो सकता है। इसलिए JVM वो सब मशीन्स के लिए अलग अलग JVM होगा लेकिन जावा का सेम प्रोग्राम हर जगह चल जाएगा। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन होगा वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर चलेगा, लेकिन .NET फ्रेमवर्क के अंदर CLR यूज करते हैं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम किस लिए होता है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं होता है, ये होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। ये हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है .NET फ्रेमवर्क। बोथ इन जावा नहीं बट इन जावा कोडिंग कैन बी पॉसिबल यूजिंग ओनली जावा लैंग्वेज बट .NET सपोर्ट्स द डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज VB, C#, C++। ठीक है, तो ये भी हम देख चुके हैं कि जावा है उसमें कोडिंग है वो ओनली जावा लैंग्वेज में आएगी, जबकि .NET के अंदर है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, इसमें विजुअल बेसिक में कर सकते हैं, C# में, C++ में। बोथ जावा एंड .NET सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड बोथ आर मैनेजिंग दी मेमोरी ऑटोमेटिकली यूजिंग दी कंसेप्ट ऑफ गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो अगेन ये सिमिलरिटी, तो ज़्यादातर तो क्या है इनमें सिमिलरिटीज ही है कि दोनों ही क्या करती है, स्ट्रक्चर एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट करती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देखा था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं, जावा वाले में देखा था हमने, जावा जब पढ़ा था तो जावा में देखा था, और इसमें भी देखा था, इसमें भी लास्ट वीडियो में कि एक्सेप्शन क्या होता है, आपको याद होगा जैसे मैंने बताया था डिवाइड बाय जीरो कर दिया एक्सेप्शन आ गया, या ऐसा डेटाबेस है उसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो डेटाबेस कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा है, तो इस तरह के एक्सेप्शन आ जाते हैं। और एक्सेप्शन क्या होता है, एक एरर ही होती है, बट ये क्या होती है, रन टाइम एरर, ये कंपाइल टाइम पर पकड़ में नहीं आता है एक्सेप्शन। तो दोनों के अंदर ही एक्सेप्शन हैंडलिंग की फैसिलिटी है जावा और .NET के अंदर,
और दोनों के अंदर ही क्या है, ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन है। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, गार्बेज कलेक्शन क्या होता है, कचरा संग्रहण। ठीक है, कचरा यहाँ पर क्या हो गया, ऐसे अनवांटेड मेमोरी लोकेशंस जो हमने रिजर्व कर रखे हैं और उनका भी काम भी नहीं है, हमने काम में ले लिया उन वैल्यूज़ को जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स वहाँ पर स्टोर कर रखे थे, उनको हमने काम में ले लिया, लेकिन फिर भी हमने उनको रिजर्व करके रखा हुआ था, उनको फ्री करना है हमें ताकि हम मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे सकें। इसलिए दोनों के अंदर ही क्या होता है, गार्बेज कलेक्शन भी होता है। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस थे, आपको समझ में आ गया होगा कि .NET और जावा है वो किस तरह की लैंग्वेजेज हैं। अब हम आगे देखते हैं .NET फ्रेमवर्क के एडवांटेज कौन कौन से। द फ्रेमवर्क इज एनरिच्ड बाय ए कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो पहला एडवांटेज तो यही है कि ये एक कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, उसको सपोर्ट करता है। दिस एंश्योर्स द डेवलपर्स डू डिफरेंट फंक्शनलिटीज लाइक डेटाबेस कनेक्टिविटी, फाइल हैंडलिंग एंड अदर फंक्शनलिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ द .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक तो .NET फ्रेमवर्क क्या करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है उसको सपोर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल को सपोर्ट करने के कारण ही डेवलपर है उनको इतनी फैसिलिटी मिल जाती है कि वो डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकता है, फाइल हैंडलिंग कर सकता है, और दूसरी जो फैसिलिटीज है उनको भी काम में ले सकता है। इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि ये विजुअल बेसिक, C# और C++ लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स दस अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेज। द GUI इंटरफेस ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज वेरी इजी टू यूज, सो द डेवलपमेंट टाइम इज रिड्यूस्ड। जो GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, वो इस फ्रेमवर्क का बहुत ही ईजी होता है यूज करने के लिए, जिससे डेवलपमेंट टाइम है वो रिड्यूस होता है। अब इसमें जो GUI फ्रेमवर्क हम यूज करते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो इसमें होता है हमारा विजुअल स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। तो उसके अंदर हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल रहते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे, उसको IDE बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब एकत्रित किया हुआ, डेवलपमेंट मतलब जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो टूल्स की ज़रूरत है, और एनवायरनमेंट मतलब ऐसा पर्यावरण। तो IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि हम VB.NET इसमें .NET फ्रेमवर्क में काम में लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, उसमें हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल रहते हैं, जिनसे डेवलप करना किसी भी सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसान हो जाता है। इससे टाइम भी बहुत सारा बच जाता है प्रोग्रामर का, और जब टाइम कम लग रहा है तो टाइम इज मनी, तो मनी भी कम हो गई, तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी कम हो गई और टाइम भी कम लगेगा। मैनेजिंग द रिसोर्स फॉर डिफरेंट टास्क सच एज नेटवर्क कनेक्शन, डेटाबेस रिसोर्स एंड यूजेज ऑफ दीज रिसोर्सेज आर हैंडल्ड बाई CLR ऑटोमेटिकली। जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है उसके द्वारा ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिए जाते हैं डिफरेंट टास्क, जैसे कि नेटवर्क कनेक्शन है, डेटाबेस रिसोर्स है। CLR is releasing the memory garbage collection when the object is not in use automatically. तो जो CLR है वही गार्बेज कलेक्शन करेगा, और गार्बेज कलेक्शन जैसा कि मैंने बताया क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि अभी काम में नहीं आ रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली
फ्री कर देगा, रिलीज कर देगा उन मेमोरी लोकेशंस को. द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इज वेरी सिंपल. द डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इज यूजिंग असेंबलीज व्हेन कंसिस्ट ऑफ मेटा डेटा. सो इट इज अवॉइडिंग द रजिस्ट्री प्रॉब्लम और DLL हेल प्रॉब्लम. ठीक है, तो जो एप्लीकेशंस है उनका डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ही आसान होता है .NET फ्रेमवर्क के अंदर. डिप्लॉयमेंट, किसी चीज़ को डिप्लॉय करने का मतलब क्या है, उसको रेडी टू वर्क करना. हमने एप्लीकेशन बना तो दिया लेकिन वो एप्लीकेशन हमारा बनाया हुआ पड़ा है, वो काम में कब आएगा, जब हम किसी सिस्टम में उसको इंस्टॉल करेंगे. तो किसी सिस्टम में किसी चीज़ को इंस्टॉल करना मतलब डिप्लॉय करना. ठीक है, तो डिप्लॉय करने का मतलब इंस्टॉल करना. तो इसको डिप्लॉय करना बहुत ही आसान है. द डिप्लॉयमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इज यूजिंग असेंबलीज विच कंसिस्ट ऑफ मेटा डेटा. ठीक है, तो इसमें जो डिप्लॉयमेंट होता है एप्लीकेशन का वो हम असेंबलीज को यूज करते हुए करते हैं, और असेंबलीज है वो उसमें क्या होता है, असेंबलीज में मेटा डेटा. मेटा डेटा मैं आपको बता दूँ, मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा का मतलब है डेटा अबाउट डेटा. ठीक है, जैसे कि आपके पास एक बुक है और बुक के अंदर शुरू में हमारे पास इंडेक्स होता है. ठीक है, तो हम इंडेक्स में से हम देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक है, कौन से पेज नंबर पर है, तो हमें उस टॉपिक को ढूंढने में कितनी आसानी हो जाती है. तो वो होता है इंडेक्स, है वो एक तरह से मेटा डेटा हो गया. तो इसी के कारण क्या होता है कि जो रजिस्ट्री प्रॉब्लम है या DLL जो प्रॉब्लम है वो हम अवॉइड कर देते हैं, और हमारा इंस्टॉलेशन है डिप्लॉयमेंट हो बहुत ही इजीली होता है इसमें. रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवांटेज है .NET का, कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं. आपने एक बार कोड लिखा और उसको बार बार काम में ले सकते हैं. द कोड फॉलोज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स सो द फ्रेमवर्क कैन बी ईजीली इंटीग्रेटेड विद द अदर कोड. तो ये जो कोड हमारा होता है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, तो हम इस कोड को हम ईजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स कहीं पर भी. तो ये हमारा बहुत सारा टाइम सेव करता है, और अगेन टाइम सेव करता है मतलब मनी सेव करता है. आपने एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर ए प्लस बी को जोड़ना है सी इक्वल टू, तो आपने एक बार लिख लिया. अब जहाँ कहीं भी अपने को ऐसा कुछ काम करना है कि दो वेरिएबल्स को जोड़ने का काम करना है, तो आपको बार बार वो कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको रीयूज कीजिए कोड को. सिक्योरिटी इज अचीव्ड यूजिंग कोड एक्सेस सिक्योरिटी मॉडल. तो इसमें सिक्योरिटी है वो हम कोड एक्सेस सिक्योरिटी मॉडल है उसके थ्रू अचीव करते हैं. फ्रेमवर्क इज प्रोवाइडेड विथ रिच डीबगिंग सपोर्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. इसका जो फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर हमारे पास रिच डीबगिंग सपोर्ट होता है सभी टाइप के एप्लीकेशंस के, चाहिए वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, चाहे वेब एप्लीकेशन बना रहे हो. तो ये सारी चीज़ें किसमें रहती है, अपना आईडी होता है जो MS विजुअल स्टूडियो, उसके अंदर हमारे पास डीबगिंग का टूल होता है. डीबगिंग का मतलब डीबग, बग का मतलब होता है यहाँ प्रोग्रामिंग में BUG, बग का मतलब होता है एरर्स, और डीबग का मतलब एरर्स को फाइंड आउट करना और उनको रिजोल्व करना. तो एरर्स को फाइंड आउट करना और उनका प्रॉब्लम्स को उनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है हमारे पास .NET फ्रेमवर्क में. द GUI इंटरफेस ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज वेरी इजी टू यूज सो दैट डेवलपमेंट टाइम इज रिड्यूस्ड. ठीक है, ये हमने देख लिया कि GUI इंटरफेस है, आप जब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, बहुत ईजी है. उसमें आपको कंट्रोल्स वगैरह बनाना तो सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे आप, ऑटोमेटिकली उसमें कोड जनरेट हो जाता है, तो इससे डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस हो जाएगा.
मैनेजिंग द रिसोर्स फॉर डिफरेंट टास्क सच एज नेटवर्क कनेक्शन, डेटाबेस रिसोर्स एंड यूजेज ऑफ दीज रिसोर्सेज आर हैंडल्ड बाय CLR. Framework supports XML, which is a major key player in the data exchange between applications. तो ये support है वो extensible markup language XML को support करता है, और इससे हमें क्या सुविधा मिलती है कि हम data exchange कर सकते हैं between different applications के बीच में, और ये mobility को support करता है. Mobility मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह move करते हैं तो उसको मोबिलिटी को ये सपोर्ट करता है. तो ये एडवांटेजेस हमने देखे, जावा और .NET फ्रेमवर्क में डिफरेंस देख लिया, एडवांटेजेस देख लिए. अब इसका आर्किटेक्चर देखते हैं हम, आर्किटेक्चर किस तरह का रहता है. आर्किटेक्चर ऑफ .NET फ्रेमवर्क. .NET आर्किटेक्चर कुड बी व्यूड एज ए हायरार्किकल मॉड्यूलर एंड टीयर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, ये मैंने बताया था हायरार्किकल होता है, मॉड्यूलर होता है, टीयर्ड होता है. देखो तीनों वर्ड्स देखिए, हायरार्किकल मतलब क्या होता है, जो ऊपर से नीचे हायरार्की होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती है. तो तीनों चीज़ें हैं, हायरार्किकल है, मॉड्यूलर और टीयर्ड है. हायरार्किकल का मतलब ऊपर से नीचे हायरार्की होती है, जिसमें पेरेंट होता है, चाइल्ड होता है, इस तरह से लेयर्स होती है. मॉड्यूलर का मतलब मॉड्यूल्स होते हैं इसमें, मतलब कुछ भी है वो बिखरा हुआ नहीं है, अलग अलग मॉड्यूल्स है और वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं. मॉड्यूलर का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना. टीयर्ड का मतलब लेयर्स. Each tier represent the layer of abstraction. हर एक जो tier है, जो layer है, वो represent करती है layer of abstraction. The first tier is .NET programming languages and common language runtime is the bottom tier. ठीक है, हमने तीन layer पढ़ा था, उसके अंदर सबसे ऊपर वाली layer थी हमारी, जो शुरू में हमने last lecture था हमारा, जो first lecture था .NET framework का, उसमें हमने देखा था. तो उसमें देखा हमने पहली जो लेयर है वो कॉमन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लेयर है, और उसके बाद में क्लास लाइब्रेरीज थी, और उसके बाद में कॉमन लैंग्वेज रन टाइम था. इस तरह से हमने तीन लेयर्स पढ़ी थी. दिस टीयर इज ऑलवेज क्लोजली रिलेटेड टू द नेटिव एनवायरनमेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. द होल फ्रेमवर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स. ईच मॉड्यूल हैज इट्स ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द एप्लीकेशंस डेवलप्ड यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस. Components of architecture. The architecture is broadly classified into three components: common language runtime, common type system, and framework class libraries. ठीक है, तो तीन ये components हैं हमारे mainly: common language runtime, common type system, और framework class libraries. Common language runtime, primarily known as CLR, is similar to JVM of Java. ठीक है, जो CLR होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, ये जो जावा के अंदर JVM होता है बिल्कुल वैसा ही होता है. जावा वर्चुअल मशीन JVM होता है, और CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन .NET इज मॉनिटर्ड बाय द CLR, विच इज अ वर्चुअल मशीन कंपोनेंट ऑफ द फ्रेमवर्क. ठीक है, तो ये भी क्या होता है, वर्चुअल मशीन का कंपोनेंट होता है. Common type system known as CTS is managing the data types supported by the various .NET programming languages. तो CTS क्या करेगा, वो मैनेज करता है डेटा टाइप्स को, सपोर्टेड बाई द वेरियस .NET programming languages. क्योंकि CLR में हम क्या कर रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. हमने बोला कि
डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है. तो डिफरेंट लैंग्वेज है, विजुअल बेसिक है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, तो उनमें डेटा टाइप्स भी अलग अलग होंगे. तो उन डेटा टाइप्स को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास CTS होता है, कॉमन टाइप सिस्टम. इससे क्या होता है, किसी भी टाइप का हमारे पास डेटा टाइप होएगा उसको सपोर्ट करेगा ये. दस दिस आर्किटेक्चर इज एंश्योरिंग द लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी. ठीक है, तो ये क्या एंश्योर करता है, लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी. लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सबको ये सपोर्ट करेगा, इंटरऑपरेबिलिटी. ठीक है, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज आर ऑल्सो नोन एज FCL एंड आर सिमिलर टू द क्लास लाइब्रेरीज ऑफ जावा. फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज, उनको शॉर्ट बोलते हैं FCL. ठीक है, ये बिल्कुल वैसी होती है जैसे कि जावा के अंदर क्लास लाइब्रेरीज होती है. इनमें भी क्या होती है, जैसे कि नाम लिखा हुआ है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज, तो क्लास लाइब्रेरीज होती है. क्लास लाइब्रेरीज का मतलब जो क्लासेज है इनबिल्ट, वो इनमें स्टोर की हुई है लाइब्रेरीज में. लाइब्रेरी क्या होती है, हमारे पास बुक्स का स्टोरेज होता है. ठीक है, बुक्स में क्या होता है, नॉलेज होता है. वैसे क्लास के अंदर क्या है, प्रोग्राम किया हुआ है, प्रोग्राम बनाया हुआ है, नॉलेज है, उनको जहाँ पर हम स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी. तो ये हमारी जो रियल लाइफ है उससे आप कोरिलेट करके इन चीज़ों को समझ सकते हो, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड ये आर्किटेक्चर बनाए जाते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस बेस क्लासेस दैट आर यूज्ड टू सपोर्ट द डिफरेंट सर्विस ऑफ फ्रेमवर्क. तो फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज है, उनके अंदर डिफरेंट टाइप की बेस क्लासेज होती है जिनको भी हम यूज करते हैं, जो सपोर्ट करती है डिफरेंट सर्विसेज को. तो कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क में हमारे पास ये तीन चीज़ें हो गई, जिनमें CLR हो गया, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, CTS हो गया, कॉमन टाइप सिस्टम, और CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या होता है उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. द रन टाइम इज द मेन कोर कंपोनेंट ऑफ द आर्किटेक्चर. जो रन टाइम होता है वो मेन कोर कंपोनेंट होता है आर्किटेक्चर का. दिस CLR इज रेफर्ड एज वन रन टाइम फॉर मेनी लैंग्वेजेज. ठीक है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, वन रन टाइम होता है मेनी लैंग्वेजेस के लिए. एंड इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड. इट इज एन एजेंट विच इज यूज टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड एंड वेरिफिकेशन ऑफ द कोड ऑल्सो. तो ये क्या करता है, एग्जीक्यूशन होता है कोड का उसको मैनेज करता है, और वेरिफिकेशन होता है उसको भी मैनेज करता है. इट इज ऑल्सो मैनेजिंग द सर्विसेज लाइक थ्रेड मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टाइप सेफ्टी एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस. तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम साथ में ही मैनेज करता है थ्रेड मैनेजमेंट को. ठीक है, थ्रेड को भी हम देखेंगे, थ्रेड दोनों में होता है, जैसे हमें अभी हमने डिफरेंस में देखा था जावा और डॉट नेट में, तो दोनों में थ्रेड्स होती है. थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, एक बड़ा प्रोग्राम होता है मेन प्रोग्राम, उनको हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उनको एग्जीक्यूट करने में आसानी होती है. थ्रेड का मतलब ये समझ सकते हो कि एक मोटी सी रस्सी होती है, वो मोटी सी रस्सी क्या है, पतले पतले थ्रेड से धागों से मिलकर बनी होती है. तो वैसे क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, उनसे मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, तो वो थ्रेड मैनेजमेंट होता है. मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में हमें देखा अभी गार्बेज कलेक्शन वगैरह आता है उसमें, तो मेमोरी मैनेज करता है. टाइप सेफ्टी और एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी हमने देखा क्या होता है, तो इन सबको भी इंश्योर करता है CLR. द मेन ऑफ मेन जॉब ऑफ द CLR इज टू लोड द माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड. तो मेन जो जॉब होता है CLR का वो होता है ये लोड करता है माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड एंड GIT कंपाइलर फॉर CLR कंपाइल्स दैट इंटू नेटिव मशीन कोड फॉर एग्जीक्यूशन द एप्लीकेशन. तो जैसा कि बाइट कोड होता है जावा के अंदर, वैसे ही यहाँ क्या होता है, MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड होता है डॉट नेट में. MSIL कोड इज सिमिलर टू द बाइट कोड ऑफ द जावा प्रोग्राम. द CPU इनडिपेंडेंट MSIL कोड कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर लोडिंग, स्टोरिंग, इनिशियलाइजिंग एंड कॉलिंग मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स. तो CPU होता है वो इनडिपेंडेंट होता है MSIL कोड से,
और वो इंस्ट्रक्शंस को लोड करता है, स्टोर करता है, इनिशियलाइज करता है और कॉल करता है मेथड्स को. दिस MSIL कोड इज आल्सो नोन एज कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज. ठीक है, तो MSIL कोड को हम कॉमन इंटरमीडिएट लैंग्वेज भी हम बोलते हैं. The code that targets the runtime is called managed code. The CLR can execute the code that can be written in any one of the .NET programming languages such as VB, C Sharp, etc. The other code which is not targeting the runtime is called unmanaged code. This runtime is designed to provide the code access security and automatic garbage collection. It also generates the resource allocation of objects in the application. The design of the CLR is enabling the user to implement the cross language inheritance and exception handling. अब CLR का आर्किटेक्चर हम देखते हैं. This CLR also includes the various components. The components are class loader, compiler, code manager, garbage collector, security engine, type checker, thread support, exception manager and debug engine. ठीक है, तो CLR के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती है. क्लास लोडर होता है जो क्लास को लोड करता है, कंपाइलर होता है जो कोड को कंपाइल करता है, कोड मैनेजर जो कोड को मैनेज करेगा, गार्बेज कलेक्शन जो मेमोरी मैनेज करेगा, सिक्योरिटी इंजन होता है, टाइप चेकर होता है, थ्रेड सपोर्ट, एक्सेप्शन मैनेजर होता है, डीबग इंजन होता है. अब एक एक को हम देखते हैं क्लास लोडर क्या होता है. द क्लास लोडर ऑफ द फ्रेमवर्क कंपाइल द सोर्स कोड इनटू इंटरमीडिएट कोड एंड दिस कोड कंसिस्ट ऑफ MSIL कोड एंड मेटा डेटा. तो क्लास लोडर क्या करता है, जो हमारा सोर्स कोड है उसको कंपाइल करेगा और MSIL माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड, जैसे कि जावा में JVM बाइट कोड होता है, उसकी तरह एक इंटरमीडिएट कोड वो जनरेट करेगा. और उस कोड के साथ में क्या होगा, मेटा डेटा. जैसे कि हमें बताया मेटा डेटा क्या है, डेटा अबाउट डेटा, मतलब इसमें डेटा के बारे में जानकारी होती है. दीज आर कंटेंट इन ए पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल PE फाइल. ठीक है, तो ये सब जो MSIL कोड और मेटा डेटा है वो किस में रहता है, PE फाइल. PE का मतलब पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल. पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको हम ले जा सकते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल. और एग्जीक्यूटेबल में जो एग्जीक्यूट हो सकती है. दी क्लास लोडर इज लोडिंग दिस डेटा इनटू द रन टाइम. तो क्लास लोडर है वो लोड करता है इस डेटा को रन टाइम पर. फिर आता है हमारा कोड मैनेजर. दिस कंपोनेंट इज मैनेजिंग द अबो कोड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. तो ऊपर से जो हमें पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली है PE फाइल, तो क्लास लोडर इसको लोड कर लेगा रन टाइम पर. तो कोड मैनेजर क्या करेगा, इस कोड को मैनेज करेगा एग्जीक्यूशन के टाइम पर. दिस टेक्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अलोकेटिंग मेमोरी टू द ऑब्जेक्ट्स आल्सो. तो कोड मैनेजर क्या करेगा, जो हमारे पास कोड है जो लोडर ने लोड करके दिया है, जिसके अंदर MSIL प्लस मेटा डेटा है, उसको मैनेज करेगा किस टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर. एग्जीक्यूशन मतलब रन हो रहा है जिस टाइम पर, एग्जीक्यूट मतलब जिस टाइम पर वो काम कर रहा है अपना, जिस टाइम पर काम कर रहा है, रन हो रहा है, उस टाइम पर उसको मैनेज करेगा. और साथ में ही ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मेमोरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स को अलोकेट करने की. फिर आता है गार्बेज कलेक्टर. एज वी डिस्कस्ड अबाउट, दिस प्रोवाइड्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर इन यूज. ठीक है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट काम में नहीं आ रहा होता है तब हम क्या करते हैं, गार्बेज कलेक्शन करते हैं. मतलब उस ऑब्जेक्ट्स को उस मेमोरी लोकेशन से फ्री कर देते हैं, वो मेमोरी लोकेशन फ्री हो जाती है, उनको हम किसी दूसरे काम में ले सकते हैं. टू अचीव दिस गार्बेज कलेक्शन इज परफॉर्मिंग द पीरियोडिकल चेक्स इन द हीप फ्रॉम वेयर द ऑब्जेक्ट गेट्स मेमोरी. तो इसके लिए क्या करता है गार्बेज कलेक्टर, वो पीरियोडिकली चेक करता है हीप को. ठीक है, और हीप से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी एलोकेट करते हैं. तो वो चेक करता है कि कहीं पर ऐसी कोई मेमोरी लोकेशन तो नहीं है जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा है जो काम में भी नहीं आ रहा और फालतू में उसको रोके रखा है. ठीक है,
सिक्योरिटी चेकर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CLR इज सिक्योरिटी चेकर. द इंजिन रेस्ट्रिक्ट्स द एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज सच एज हार्ड डिस्क एंड एनफोर्सिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑन द MSIL कोड. तो सिक्योरिटी चेकर क्या करता है, ये सिस्टम रिसोर्सेज को एक्सेस करना और MSIL कोड, इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है. टाइप चेकर, दिस एंश्योर्स द डेटा टाइप चेकिंग ऑफ द वेरिएबल. ये क्या करता है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनका डेटा टाइप चेक करता है. दिस इज ऑल्सो चेकिंग द वैलिड ऑपरेशंस ऑन द करस्पोंडिंग डेटा टाइप. ये साथ में चेक करता है जो करस्पोंडिंग डेटा टाइप है उस पर वैलिड ऑपरेशंस को. इट मीन्स दैट इंटीजर वैल्यू मस्ट बी असाइंड टू इंटीजर डेटा टाइप एंड वैलिड ऑपरेशंस आर अलाउड इन दैट टाइप, अदरवाइज इट राइजेज द एक्सेप्शन. ठीक है, तो टाइप चेकर क्या करता है कि वो चेक करता है कि जो वेरिएबल जिस टाइप का है क्या उसमें वैल्यू भी उसी टाइप की. ऐसा नहीं कि आपने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया और उसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू डाल दी या और ऐसी टाइप की वैल्यू डाल दी जो वो सपोर्ट ही नहीं करता. तो पहली बात तो यह है कि जिस टाइप का वेरिएबल उसी टाइप की वैल्यू उसमें डाली गई है. उसके बाद में जो ऑपरेशन परफॉर्म की गई है वो भी क्या उसके अकॉर्डिंग ही है. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का और उस पर आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दी कि कोई स्ट्रिंग पर परफॉर्म करता है ऐसी ऑपरेशन परफॉर्म कर दी तो उसमें क्या होगा, एक्सेप्शन आ जाएगा. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है टाइप चेकर. फिर आता है थ्रेड सपोर्ट. मल्टी थ्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि जावा और .NET दोनों ही मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. थ्रेड्स आर प्लेइंग एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग द एप्लीकेशन इन दिस फ्रेमवर्क. द एप्लीकेशन कैन कंटेन वन और मोर थ्रेड्स. दीज थ्रेड्स आर मैनेज्ड बाय द CLR. तो CLR मैनेज करता है थ्रेड्स को और एप्लीकेशन है वो एक या एक से ज़्यादा थ्रेड्स कंटेन कर सकता है. थ्रेड्स मैंने बताया कि मेन जो प्रोग्राम है उसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देना, एक बड़ी प्रोसेस है उसको छोटी छोटी प्रोसेस में. एक्सेप्शन मैनेजर, द .NET फ्रेमवर्क फॉलो द इंस्ट्रक्टेड एक्सेप्शन हैंडलिंग, स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग इन ऑल इट्स कंप्लायंट लैंग्वेजेज. द एक्सेप्शन माइट रेज फ्रॉम मैनेज्ड कोड एज वेल एज अनमैनेज्ड कोड. दिस मैनेजर प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू हैंडल दिस टाइप ऑफ एक्सेप्शंस. तो एक्सेप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं. तो एक्सेप्शन मैनेजर का काम क्या होता है, एक्सेप्शन को मैनेज करना. ठीक है, कोई भी अपवाद आता है, रन टाइम एरर आती है, उसको मैनेज करना. अगर मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा. डीबग इंजन, डीबग मीन्स फाइंडिंग एंड रिमूविंग द बग फ्रॉम द प्रोग्राम्स. डीबग क्या करता है, फाइंड करता है और रिमूव करता है बग्स को प्रोग्राम में से. द एप्लीकेशन रिटन इन एनी सपोर्टेड फ्रेमवर्क लैंग्वेजेज आर डीबग्ड बाय दिस इंजन. अब चाहे किसी भी लैंग्वेज में आपने प्रोग्रामिंग किया जो .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, चाहे विजुअल बेसिक हो, C# हो या C++ हो, ये डीबग इंजन है वो सबको सपोर्ट करेगा और सबकी डीबगिंग करेगा, सब में फाइंड आउट करेगा एरर्स को. दिस एक्सटेंड्स इट्स सपोर्ट टू द एप्लीकेशन रनिंग ऑन रिमोट मशीन आल्सो. और साथ में जब एप्लीकेशन किसी रिमोट मशीन पर चल रहा है उसको भी ये सपोर्ट करता है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जो अभी डिस्कस की है. अब देखिए, गार्बेज कलेक्शन का लिखा हुआ है कि गार्बेज कलेक्शन मीन्स रिलीजिंग द मेमोरी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज आउट ऑफ स्कोप. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया गार्बेज कलेक्शन कचरे को साफ करना कब करते हैं. कचरा क्या होता है, कोई भी चीज़ है वो कचरा कब बनती है, जब आपके काम में नहीं आ रही है वो चीज़. जब तक काम में आ रही है उसको कचरा नहीं बोलेंगे. ठीक है, आपने एक कॉफ़ी कप में कॉफ़ी पी, जब तक आप पी रहे हो कॉफ़ी कप आपके काम का, जैसे आपने पी ली अब उसको क्या करना है, आपको डिस्पोज करना है. ठीक है, वो आपके काम का नहीं है, आपने यूज कर लिया उसको, अब आपको
उसको आपके लिए गार्बेज बन गया, वो कचरा बन गया, तो उसको आपको डस्टबिन में डालना है, तो वो क्या हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी ऐसी चीज़ें जो काम में नहीं आ रही है, तो वो हमारे लिए कचरा हो गई, तो उस कचरे को साफ करना ज़रूरी है, और वो काम करता है गार्बेज कलेक्शन। अब कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है, CLR है, उसके कंपोनेंट्स जो हमने ऊपर पढ़े हुए दे रखे हैं यहाँ पर डायग्राम में, एक्सेप्शन मैनेजर, सिक्योरिटी चेकर, कोड मैनेजर, क्लास लोडर, थ्रेड सपोर्ट, डीबग इंजन, टाइप चेकर और गार्बेज कलेक्टर, ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी है वो सब किस में होती है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में। इसका मतलब ये जो लेयर है, CLR लेयर है, वो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। कॉमन टाइप सिस्टम क्या होता है, दिस इज जनरली नोन एज CTS इन द फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर। टाइप रेफर्स द डेटा टाइप सपोर्टेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, ठीक है, तो CTS कॉमन टाइप सिस्टम ये रेफर करता है डेटा टाइप्स जिनको सपोर्ट करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। सिंस द डॉट नेट सपोर्ट्स द वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, देयर इज अ नीड फॉर कॉमन टाइप सिस्टम विच कैन बी शेयर्ड बाय ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज ऑफ द फ्रेमवर्क। अब सवाल ये है कि कॉमन टाइप सिस्टम हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क में पहली बार पढ़ा है, बाकी पहले तो नहीं पढ़ा, हमने गार्बेज कलेक्शन है और कुछ चीज़ें हैं वो पहले भी पढ़ ली थी, तो वो इसलिए क्योंकि इससे पहले डॉट नेट से पहले हमने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी उनमें एक ही लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर है सी को ही सपोर्ट करेगा, C++ उसको ही करेगा, जावा का है वो जावा को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन डॉट नेट में क्या होता है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, विजुअल बेसिक है, C# है, C++ है, तो जब डिफरेंट लैंग्वेजेज है तो उनमें डेटा टाइप्स है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर होगी, तो हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है कॉमन टाइप सिस्टम की, जो सब लैंग्वेजेज में अलग अलग टाइप के जो डेटा हैं उनको, डेटा टाइप्स को सपोर्ट कर सके। तो इसी तरह CTS को क्या करती है, सारी लैंग्वेजेज शेयर करती है, सबके काम में आता है। CTS प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरीफाइंग द टाइप ड्यूरिंग जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन, तो CTS है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वेरीफाई करता है टाइप को, किस टाइम पर, कंपाइलेशन के टाइम पर। तो CTS की जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या डिफाइन करती है, डेफिनेशन ऑफ द टाइप एंड वैल्यूज सपोर्टेड बाय दैट, एक तो जो डेटा है वो किस टाइप का है और किस टाइप की वैल्यूज को वो सपोर्ट करेगा, और CTS वो सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट को। इसका मतलब जितने भी उसमें टाइप्स जो रिप्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर शेयरिंग ऑफ कॉमन डेटा टाइप्स, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कॉमन डेटा टाइप्स को शेयर करने के लिए। द सिस्टम अलाउज यू टू डू द लैंग्वेज इंटरेक्शन, ये हमें प्रोवाइड करता है, इंटरेक्शन है लैंग्वेजेस का वो सपोर्ट करता है। दिस रिप्रेजेंट्स दैट कोड इन वन लैंग्वेज कैन बी इनहेरिटेड बाय द कोड इन द अदर लैंग्वेज, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि एक लैंग्वेज का कोड है वो दूसरी लैंग्वेज द्वारा इनहेरिट किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो अलग अलग लैंग्वेज आपस में शेयर कर सकती है, तो उनको शेयर करने की फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है। कॉमन टाइप सिस्टम अडेप्ट देमसेल्वेज टू प्रोवाइड द क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है एकीकृत करना, तो CTS है वो खुद को ऐसे ढाल लेता है कि वो ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिससे क्रॉस लैंग्वेज इंटीग्रेशन किया जा सके, टाइप सेफ्टी एंड बेटर परफॉर्मेंस इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। CTS एंश्योर्स द लैंग्वेज इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क। द मेन कैटेगरीज ऑफ द टाइप विच आर सपोर्टेड इन द फ्रेमवर्क आर वैल्यू टाइप्स एंड रेफरेंस टाइप्स, तो दो तरह का कैटेगरी है टाइप्स में, वैल्यू टाइप्स और रेफरेंस टाइप्स। प्रीमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वैल्यू टाइप्स, तो प्रीमिटिव या बिल्ट इन इसका मतलब होता है जो पहले से बनी बनाई है लैंग्वेज के अंदर, जो डेवलपर ने बनाई है, इसने लैंग्वेज बनाई है, ठीक है, तो वो होती है वैल्यू टाइप्स। दे आर यूज टू स्टोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, किस लिए काम में आती है, कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को स्टोर करने के।
दिस इंक्लूड्स स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर एंड अदर डेटा टाइप्स। ठीक है, तो बिल्ट इन के अंदर देखिए हमारे पास नॉर्मली यही होता है हर एक लैंग्वेज में, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर और अदर डेटा टाइप्स में फ्लोट वगैरह आ गए। दीज डेटा टाइप्स आर पास्ड टू द मेथड बाय वैल्यू। ये डेटा टाइप पास किए जाते हैं मेथड को पास बाय वैल्यू से। ठीक है, द मेमोरी वुड बी अलोकेटेड फ्रॉम द स्टैक फॉर दीज काइंड ऑफ डेटा टाइप्स एंड दीज आर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्ट्स। ऑन द अदर हैंड द रेफरेंस टाइप्स आर यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर एंड पास टू द मेमोरी बाई रेफरेंस। तो पास बाई वैल्यू में तो वैल्यू पास कर रहे हैं, लेकिन रेफरेंस में क्या होता है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, वो किसी वेरिएबल की जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, उसको होल्ड करके रखता है। किसकी हेल्प से? पॉइंटर की हेल्प से। तो उसमें क्या होता है, पास बाई रेफरेंस करते हैं, उसका एड्रेस पास किया जाता है। दीज आर स्टोर्ड इन द हीप। गार्बेज कलेक्टर इज मैनेजिंग द मेमोरी अलोकेटेड फॉर दीज टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो अलोकेशन होता है वो किस में होता है, हीप में होता है। और गार्बेज कलेक्टर कहाँ काम करता है, हीप पर ही काम करता है, वो मैनेज करता है मेमोरी को, जो ऑब्जेक्ट काम में नहीं आ रहा है उसको वहाँ से हटा देता है, मेमोरी को फ्री कर देता है। कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ ECMA कोड रिटन इन CLS मस्ट बी कंप्लाइंट विद द कोड रिटन इन अनादर कंप्लाइंट लैंग्वेज एंड मस्ट इंटरऑपरेबल बिटवीन देम। ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में ये है कि अगर कोई कोड कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन है, वो कंप्लाइंट है कि एक कोड है किसी दूसरे कंप्लाइंट लैंग्वेज के अंदर, तो वो इंटरऑपरेबल है दोनों में। द सब्जेक्ट ऑफ CTS इज ए कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन विच डिस्क्राइब्स द गाइडलाइंस फॉर डिफाइनिंग .NET लैंग्वेजेस। सो द कोड्स आर कंपाइल्ड इनटू इंटरमीडिएट लैंग्वेजेस। दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय द CLR। द कॉमन लैंग्वेज सपोर्टेड बाय दिस फ्रेमवर्क आर विजुअल बेसिक, .NET, विजुअल सी शार्प, विजुअल C++, .NET और विजुअल JSR .NET। क्लास लाइब्रेरीज आर ऑल द कलेक्शन ऑफ रीयूजेबल मैनेजेबल क्लासेज एंड इंटरफेसेज। जैसे मैंने बताया क्लास लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है, बुक्स होती हैं। तो क्लास लाइब्रेरीज का मतलब इसमें क्लासेज होगी। अब क्लासेज में क्या होगा, कलेक्शन होगा कोड का, किस तरह का कोड, रीयूजेबल जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, मैनेजेबल, ठीक है, और इंटरफेसेज। दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर सिस्टम सर्विसेज एंड एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में। दीज लाइब्रेरीज कैन बी कंपेयर्ड विद द लाइब्रेरीज ऑफ अदर लैंग्वेज लाइक जावा, C++। ठीक है, तो हर एक लैंग्वेज है उसके अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज होती है। दीज क्लासेज आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरी वेल नोन हेरार्चिकल स्ट्रक्चर। तो हेरार्चिकल स्ट्रक्चर के अंदर मैनेज होती है। हेरार्चिकल का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स से अग्री द चाइल्ड है। जैसे जावा में भी हमने देखा एक पैकेज होगा, पैकेज के अंदर फिर खूब सारे सब पैकेज होंगे, फिर सब पैकेज के अंदर खूब सारी क्लासेज होंगी, क्लासेज के अंदर खूब सारे मेथड्स होंगे। तो इसको बोलते हैं हेरार्चिकल मेथड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज क्लास लाइब्रेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फैसिलिटी इज कॉल्ड नेम स्पेसेज। तो ये जो क्लास लाइब्रेरीज है उनको हम ऑर्गेनाइज करते हैं इनकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम टाइप की फैसिलिटी है, उनको हम एक जगह उनका बंडल बना के उसको एक नेम स्पेस में डाल देते हैं। जैसे कि जावा में उसको किस में डालते हैं, पैकेज में। तो वो पैकेज होता है खूब सारी क्लासेज का, और क्लासेज कैसी होती है, सेम टाइप की, ऐसे नहीं कि किसी भी टाइप की उनको एक बंडल बना के डाल दिया, नहीं, सेम टाइप की जो क्लासेज है जिनकी सेम फैसिलिटी है उनका एक हम बंडल बना लेंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं, नेम स्पेस बोलते हैं। यहाँ पर ऑल द क्लासेज ऑफ दिस लाइब्रेरी आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड कैन बी इंक्लूडेड इन द कोड ऑफ एनी .NET कंप्लायंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेमवर्क लाइब्रेरीज आर सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड पार्टी कंपोनेंट विद द क्लासेज इन द .NET फ्रेमवर्क। यूजिंग दीज लाइब्रेरीज यू कैन accomplish different tasks such as database connectivity, string handling, input-output functionality, numerical functions and file handling. These libraries are pre-coded solutions for the developer. We can access the classes of this library using the full namespace notation.
द एंटायर लाइब्रेरी इज स्प्लिट इंटू टू पार्ट्स, जो एंटायर जो लाइब्रेरी है हमारी उसको दो पार्ट्स में हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। बेस क्लास लाइब्रेरी उसको बोलते हैं BCL, बेस क्लास लाइब्रेरी, एंड द फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी FCL। बेसिक API ऑफ CLR कंटिन्यू कंस्टिट्यूट बेस क्लास लाइब्रेरी एंड दिस इज सबसेट ऑफ क्लास लाइब्रेरीज। सुपरसेट ऑफ BCL लाइब्रेरी इज कॉल्ड फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। दीज लाइब्रेरीज आर एक्सपांडेड सेट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंक्लूड क्लासेज रिलेटेड टू विंडो ASP.NET ADO.NET एंड अदर्स। तो दो तरह की होती है, एक तो बेस क्लास लाइब्रेरी और एक होती है फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। बेस क्लास के अंदर तो होता है हमारी जो बेस क्लासेज होती है वो होती है, और FCL फ्रेमवर्क के अंदर ऐसी लाइब्रेरीज जो इंक्लूड करती है क्लासेज जो रिलेटेड होती है विंडोज ASP.NET ADO.NET से। ठीक है, इस फिगर में हम क्लासेज को देखेंगे डिफरेंट एप्लीकेशंस में। जैसे पहले सबसे ऊपर वाली हम लेयर देख रहे हैं, उसमें विंडोज़ फॉर्म्स। इट कंसिस्ट ऑफ क्लासेज रिलेटेड टू डिजाइन कंपोनेंट्स पासिंग मैसेज टू द यूजर ETC। ठीक है, तो विंडोज़ फॉर्म्स है, इसमें ऐसी क्लासेज रहेगी जो डिजाइन से रिलेटेड रहेगी कंपोनेंट्स के, और जो पास करेगी मैसेज यूजर को। वेब फॉर्म्स, वेब फॉर्म्स आते हैं ASP.NET में, क्योंकि इसमें वेबसाइट ASP.NET भी बनाएंगे। ये कंसिस्ट करती है क्लासेज रिलेटेड टू कैशिंग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन, जो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो इसमें रहेगी। ठीक है, ऊपर विंडोज़ फॉर्म्स में वो रहेगी जो हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हैं। फिर XML क्लासेज, इसमें रिलेटेड रहेगी XL, XSLT, XPath, XQuery, सीरियलाइजेशन। ADO.NET उसमें डेटाबेस रिलेटेड रहेगी, जो कि डेटाबेस का कनेक्शन करना, कमांड रिट्रीव करना डेटा को। ठीक है, SQL टाइप्स, एग्जीक्यूटिंग प्रोसीजर्स, ये सब रहेगी इसमें। तो आज की इस वीडियो में हमने पहले तो डिफरेंस देखा जावा और .NET फ्रेमवर्क के अंदर, उसके बाद में .NET फ्रेमवर्क के एडवांटेजेस देखे, और फिर .NET फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है या आपके कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।